हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आपसे पूछ रहा है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, ठीक है बच्चों। तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो सबसे पहले क्या है कि कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की जब भी बात होती है तो यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा किसकी बात हो रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। इसकी बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की आपकी यहाँ पे बात हो रही है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, तो सबसे पहले आपको चेक करना है, इसी ऑर्डर में चेक करना है बच्चों ऑलवेज। तो सबसे पहले देखना होता है भाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देख लो, या फिर हमारे पास क्या लिखते हैं इसी को, तो हमें यह देखना होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी होगी, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट की बात आएगी बच्चों, क्लियर है, बिल्कुल सही बात है बच्चों, है ना, ये चीज क्लियर है। अब उसके बाद क्या है कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट के बाद हमारे पास क्या आता है, तो दूसरी अगर हम बात करें तो भाई मिनिमल चार्ज होना चाहिए, जिसपे सबसे कम चार्ज होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना बच्चों। क्या होगा, मिनिमल चार्ज होना चाहिए, है ना। और हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें पोजिशन ऑफ चार्ज की बात करें तो क्या होगा बच्चों, पोजिशन ऑफ चार्ज के केस में, तो पोजिशन ऑफ चार्ज के केस में होता है जो नेगेटिव चार्ज होता है ना बच्चों, तो वो नेगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के ऊपर। किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की टेंडेंसी होती है कि वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को इजीली रख पाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स के ऊपर जाता है। किसके ऊपर जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स के ऊपर। एंड उसके बाद जो कंडीशन चेक करनी होती है हमें, ये कंडीशन चेक करनी होती है कि भाई अब जो हमारा चार्ज है, अब उसका चार्ज सेपरेशन के बारे में बात करनी होती है। किसके में, चार्ज सेपरेशन के बारे में बच्चों। तो चार्ज सेपरेशन में हमें क्या देखना होता है, तो हमें ये देखना होता है जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है वो जितना ज्यादा दूर रखा होगा उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो जितना पास रखा होगा उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर होगी। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बोल लो, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने बच्चों, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, क्लियर हो गई बच्चों। तो ऑक्टेट यहाँ पे सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सिमिलरली यहाँ पे देखते तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये नो डाउट फर्स्ट वाला क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल। अब चार्ज की बात करें, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, पोजिशन ऑफ चार्ज के ऊपर, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे किसके ऊपर है, कार्बन पे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये ऑक्सीजन हमारा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है ना, और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट के बाद किसकी स्टेबिलिटी आएगी सबसे ज्यादा, तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी के बाद आएगा सेकंड, और सबसे कम स्टेबल होगा हमारा थर्ड वाला, ठीक है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो थर्ड ग्रेटर देन सेकंड और लेस देन फर्स्ट, तो ये तो आपका क्या है बच्चों, गलत है ना, ये तो अगर आप बात करोगे ये आपका क्या है, गलत हो गया। एंड फर्स्ट बराबर सेकंड बराबर थर्ड, ये भी आपका गलत है, फर्स्ट सबसे ज्यादा, सेकंड उससे कम, थर्ड सबसे कम, ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, एंड सेकंड सेकंड फर्स्ट थर्ड, ये आपका गलत है बच्चों। सो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, आई होप अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, थैंक यू।